जल संरक्षण एक ऐसा विषय है जिसके बारे में बचपन से ही हम कुछ ना कुछ पढ़ते लिखते व सुनते आए हैं। जल है तो कल है का नारा चारों तरफ सुनाई तो देता है, लेकिन धरातल की तस्वीर भयावह है। आज जिस तरह से जल बेवजह बर्बाद किया जा रहा है, उससे आने वाले कल में बड़ा जल संकट उत्पन्न होने वाला है। हमें इस बात को समझना चाहिए कि जल पृथ्वी पर उपलब्ध एक बहुमूल्य प्राकृतिक संपदा है, जो सभी जीवों के जीवन का आधार है। वैसे तो धरती का लगभग 3/4 भाग जल से ही घिरा हुआ है, लेकिन पीने योग्य पानी की मात्रा सिर्फ 3% ही है। इस 3% पेयजल का भी बड़ा हिस्सा ग्लेशियरों एवं बर्फ के चट्टानों के रूप में जमा हुआ है। इसलिए सही मायने में तो केवल 1% पानी ही पेयजल के रूप में उपलब्ध है। आज तेज गति से हो रहे नगरीकरण और औद्योगिकीकरण ने बढ़ते हुए प्रदूषण को गंभीर स्तर पर लाकर खड़ा कर दिया है। वहीं बढ़ती हुई जनसंख्या ने प्रत्येक व्यक्ति के लिए पेयजल की उपलब्धता को और भी चुनौतीपूर्ण बना दिया है। मानवीय लापरवाहियों का परिणाम है कि आज धरती पर जल संकट ने विकराल रूप धारण कर लिया है। जल के संचय के अभाव में तेजी से हमारी धरती अब सूखती जा रही है। भारत के कई जगहों पर जहां कल तक पानी से लबालब भरे तालाब, नदी और पोखर थे, आज वहीं लोग बूंद बूंद के लिए तरस रहे हैं। लोगों को पानी की तलाश में दूर दूर तक भटकना पड़ रहा है। बहुत तेजी से हो रही जंगलों की कटाई के कारण वर्षा चक्र भी खराब हुआ है और बरसात में भारी कमी आई है। नदियों, तालाबों आदि में बेरोक टोक प्लास्टिक, कूड़ा कचरा डालने एवं कारखानों और फैक्ट्रियों का गंदा पानी छोड़ने से वो अशुद्ध और जहरीले हो गए हैं। आज जिस स्तर पर इन जल संसाधनों को प्रदूषित किया जा रहा है, संभव है कि आने वाले कुछ दशकों में इनका अस्तित्व ही ना रहे। जल संरक्षण की दिशा में पंचायतें क्या कदम उठा सकती हैं? जल संसाधनों को बचाने एवं हर घर तक जल पहुंचाने के लिए ग्राम पंचायतें कुछ कार्य कर सकती हैं। नदियों और तालाबों को प्रदूषित होने से बचाने के लिए नियम बनाना, नियम ना मानने पर दंड देना, जलाशयों की समय समय पर साफ सफाई करवाना, जल की शुद्धता की जांच करवाना, ड्रिप सिंचाई के लिए लोगों को प्रोत्साहित करना, स्कूलों में जल संरक्षण से जुड़ी प्रतियोगिताओं को आयोजित कराना, गैर कानूनी रूप से खनन एवं जंगलों की कटाई पर रोक लगाना, अपने क्षेत्र में अधिक से अधिक वृक्षारोपण करना, जल जागृति के मुद्दों पर बैठक का आयोजन करना, पानी की कमी से निजात पाने के लिए योजना बनाना। ध्यान रहे कि पंचायत प्रतिनिधियों का काम गांव में लोगों को जल संचय के लिए जागरूक कराना भी है। पंचायत को कुंडों, तालाबों, जलाशयों आदि का निर्माण करवाना चाहिए, जिससे बरसात के पानी को एकत्र किया जा सके। ऐसा करने से निश्चित रूप से जहां जल संकट है, वहां पानी की कमी की समस्या कम हो सकेगी। जल को बचाने की जिम्मेदारी हम सब की है, क्योंकि जल हम सब का है। आज इस जिम्मेदारी से भागने का अर्थ है कि हम अपने भविष्य की पीढ़ी की जरूरतों से मुंह फेर रहे हैं। वही जन प्रतिनिधि है ज्ञानी, जिसने जल की महिमा पहचानी।